हेलो फ्रेंड्स, आप सबो का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आने वाले नवंबर मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और हम इंडियंस फेस्टिवल में तरह तरह की मिठाइयाँ, चॉकलेट, चकली या फिर नमकीन बनाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल स्पेशल सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, विदाउट मावा, विदाउट दूध के बेसन और सूजी के स्पेशल बर्फी बनाना। इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1/4 कप घी ले लेंगे। घी की जगह पे कोई भी आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब घी जब अच्छा गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए और 1 कप बेसन को चाल करके डाल दीजिए। चली हुई बेसन में कोई भी गांठे नहीं पड़ती है, बहुत स्मूथ सा बन जाता है और अच्छी तरह से हम देसी घी के साथ इसको मिक्स करते हुए भूनेंगे। हमें 5 से 7 मिनट स्लो आंच पे इसको भूनना है, 5-7 मिनट में, और लगातार चलाते रहिएगा। 1 मिनट के लिए भी हाथ को बंद मत कीजिएगा, लगातार चलाते रहिएगा और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाइएगा, जिससे सारे जो ये बबल्स पड़ रहे हैं ना इसके ऊपर पे गांठे पड़ रही है वो सारे गांठे निकल जाएगी। 4-5 मिनट हो गया है, अब इसमें हम सूजी मिला रहे हैं, तो 2 से 3 चम्मच के करीब आप सूजी इसमें डाल दीजिएगा और सूजी को भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। वैसे भी ये बेसन और सूजी का ही तो बर्फी बन रहा है, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिएगा और 2 से 3 मिनट तक इसको भूनते रहिए। इसे एक्चुअली तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है चेंज ना हो जाए, यानी कि हल्का ब्राउन इस पे ना आ जाए। ये देखिए हल्का ब्राउन आ गया ना कलर, और अच्छी खुशबू तो पहले से ही निकल रही है। तो अब इसमें हम 1/4 कप शक्कर डाल रहे हैं और शक्कर को आप ग्राइंड करके ही डालिएगा, साबुत शक्कर मत डालिएगा। अब आप शक्कर को और जो हमारा मिश्रण है उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फ्लेम को अभी भी आप लो ही रखिएगा। इस बर्फी के मिश्रण को भूनते हुए मुझे 10 मिनट का टाइम हो गया है और 2-3 मिनट में ये अच्छी तरह से मिक्स बन भी जाएगा और रेडी भी हो जाएगा। तो अब देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया ना शक्कर, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब बस थोड़ी देर में ये हल्का पानी भी छोड़ेगा क्योंकि शक्कर डाला है ना, ये देखिए हल्का गीला भी हो गया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा आप इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस छोटी वाली चम्मच से 1/4 चम्मच, और इसे भी मिक्स कर लीजिए। अब देखिए ये काफी ड्राई भी हो गया है, अब बस ऐसा ही, और तला भी बिल्कुल छोड़ रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हमें बना के रेडी करना था, बर्फी का मिश्रण बन गया है। बर्फी का मिक्सर बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम या तो प्लेट में आप घी लगा करके उसमें डाल दीजिए या ट्रे में डाल दीजिए, या फिर जैसे मेरा जो स्टोन का चकला है मैं इसके ऊपर घी लगा के लगा दे रही हूँ, और अच्छी तरह से एक सार कर दीजिएगा हाथों से प्रेस करते हुए। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये लीजिए हाथ की हेल्प से या फिर स्टेपुला के हेल्प से आप इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए जैसे मैंने फैलाया है, और थोड़ा मोटाई ठीक रखिएगा। और अब इसके ऊपर आप मनचाहे ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए। मैंने पिस्ता के कुछ कतरन लिए हैं और साथ ही मैं बादाम के कुछ कतरन लेने वाली हूँ, और दोनों को मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़ा सा हाथों से दबा करके सेट भी कर दूंगी। ये देखिए अभी अच्छी तरह से सेट हो गया है, दिखने में ही इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या बताऊं। अब इसे 2 घंटे के लिए आप या तो ऐसे ही ऊपर छोड़ दीजिए या फिर फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख लीजिए, ये अच्छा टाइट हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, और बीच में आप 1/2 घंटे के बाद इसमें कट्स लगा लीजिएगा, क्योंकि बर्फी एक बार जम जाएगी ना तो कट्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मनचाहा कट्स लगा सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चकोर बना सकते हैं, या कोई और शेप चाहिए तो वैसा आप कट लगा सकते हैं। ये देखिए मैं एक बार में ही सारे कट्स लगा करके इसको रेडी कर ले रही हूँ, और फिर मैं इसे वापस 1 घंटे के लिए वापस या तो फ्रिज में रखूंगी या फिर ऐसे ही ऊपर रख दूंगी, जिससे अच्छी तरह से हमारी बर्फी सेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्वीट्स को सिर्फ फेस्टिवल में ही खाया जाए, आप कभी भी बना करके खा सकते हैं। कट्स लग गए, अब 1 घंटे के बाद देखते हैं। 1 घंटा हो गया है, अब अच्छी तरह से सेट हो गया, तो इस तरह का चिकना पलटा लीजिएगा जिससे बर्फी निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये देखिए एक बर्फी मैंने निकाल लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, सब बहुत बढ़िया है, और ये जहाँ कटे हुए हैं वहाँ भी बिल्कुल चिकने हैं। एक और मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का चिकना पलटा लेंगे ना, उससे बहुत इजीली निकल जाता है बर्फी, कोई भी बर्फी निकल जाती है। ये तो बहुत बढ़िया बनी है, ये तो ये निकल ही जाएगी।
और ये देखिए इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया है। इतना बढ़िया बना है, इतना लाजवाब बना है कि मैं क्या बताऊं। और इसी तरह से मैंने बाकी सारे निकाल करके प्लेट में लगा दिया है। अभी तो नवंबर मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, एक के बाद एक फेस्टिवल, और सारे फेस्टिवल में स्वीट्स तो कॉमन रहता ही है, सबके घर में स्वीट्स बनता है। तो इस बार आप इस तरह से स्वीट्स बनाइए और खुद भी खाइए और सबको खिलाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।